हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1.2। और अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाकर के वहाँ पर देखो। बिना उसको देखे ये आपको एक्सरसाइज समझ में नहीं आने वाला। हाँ, कुछ क्वेश्चन आप इसके लगा सकते हो, बट कुछ क्वेश्चन आपको आपके नहीं समझ में आने वाले, क्योंकि उस वीडियोज़ में जो है इंट्रोडक्शन है और एग्जाम्पल्स के सॉल्यूशंस हैं। सो पहले आप जाकर के उस वीडियोज़ को देखिए, तब जा करके आप इस एक्सरसाइज को लगाओ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। बहुत आसान है, कर सकते हो, बताने की जरूरत ही नहीं है। क्या है 140? सबसे पहले हमारे पास क्या है 140। तो 140 का हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। कर लो 140 का, कैसे करते हैं। 2 7 जा 14, ये गया, ठीक है। कितना बचा, 2 7 जा, कितना बचा, 0 0 शो कर दिया। इस तरीके से आ रही बात समझ में, ये चीज़। चलो, जो कर ले रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे ध्यान समझ लो। तो मेरे हमें हमें जो प्राइम नंबर्स मिले, कौन कौन से प्राइम नंबर्स मिले, 2 2 5 7। तो हमने इसको कुछ ऐसे लिख लिया, 2 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे प्राइम फैक्टर है। यानी कि 140 के इतने सारे फैक्टर हमें मिले, या फिर इसको और हम कैसे सकते हैं, 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1 इंटू 7 के पावर 1। ओके, इसी का सेकेंड पार्ट है 156 का। हमें क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, 156 है, इसको हमें क्या करना है, इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो ले जाओ 156, कुछ ऐसे लिखते हैं। सबसे पहले 156 हमने ये लिखा, ठीक है। अब ये कितने से जाएगा, 7 टाइम में, 2 7 जा 14, कम ले जाते हैं, ज़्यादा नहीं ले जाते। 2 7 जा 14, कितना बचा, 116 हो गया, 2 8 जा 16, ठीक है। उसके बाद 2 से फिर से ले जाएंगे, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है, तो 2 3 जा और 2 9 जा 18, ये हो जाएगा। उसके बाद फिर अब ये 2 से नहीं जाने वाला, अभी ये जाने वाला 3 से, क्यों, क्योंकि 39 है। तो 39 किससे जाएगा, 3 से जाएगा। तो किससे ले जाएंगे, 3 से ले जाएंगे। कितने बार में जाएगा, 3 1 जा और 3 3 जा 9, आ गया कितना, 13। अब ये 13 हमारा क्या, एक ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर है तो ये अब कैसे जाएगा, ये ओनली ऑन केवल 13 से ही जाएगा, क्योंकि प्राइम नंबर किससे डिविजिबल होते हैं, ओनली इट सेल्फ एंड 1 से, ठीक है। और ये प्रोसेस कब तक करते हैं, जब तक कि 1 ना आ जाए। ये सब पढ़ी हुई चीज़ें है ना, तो चलो जल्दी जल्दी करके इनको जल्दी से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगला जो एक्सरसाइज है वो बहुत ही मज़ेदार सा एक्सरसाइज है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये जल्दी से कर लो, ठीक है। ये आपका होगा आंसर। आ रही बात समझ में, नहीं आना है, नहीं अगर आता होगा समझ में तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता दो, मैं इसको फिर से रीअपलोड कर दूंगा, ठीक है। ओके, इसका फोर्थ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। फोर्थ क्या कह रहा है, 505। 505 का देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने यहाँ पर किया है, कैसे करते हैं फिर से समझ लो। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, 505 लिखते हैं, ठीक है, 505। अब हम इसको चेक करते हैं कि ये किससे डिविजिबल होगा, ठीक है। तो क्या ये 2 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में क्या है, 5 है, तो जिसके लास्ट में 5 होता है वो 2 से डिविजिबल नहीं होता। 3 से डिविजिबल होगा, हमने चेक किया, नहीं होगा, ठीक है। टेबल पढ़ करके देखो, डिवाइड करके देखो, नहीं होगा। 4 से भी डिविजिबल नहीं होगा, 5 से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में 5 है, ऑब्वियसली बात है 5 होगा। तो लास्ट में जिसके भी, जिस डिजिट के भी नंबर के लास्ट में 5 होता है, वो हमेशा 5 से डिविजिबल होता ही है, ठीक है। तो कितनी बार में जाएगा, 5 1 जा 5 1 जा और 00, और ये फिर 5 1 जा 5, ये आ गया। अब ये 1001, ये किसे डिविजिबल होगा, तो हम 2 से चेक, हमने 2 से चेक किया, 3 से चेक किया, 4 से चेक किया, 5 से चेक किया, 6 से चेक किया, एंड फाइनली ये किससे कट हुआ, ये फाइनली किसे डिवाइड हुआ, 7 से। तो कितनी बार में हुआ देख लेते हैं, तो 7 1 जा, ठीक है, और कितना बचा, 3 इस 0 के आगे, यानी कि ये जो ये वाला जो 0 है इसके आगे 3 आकर के लग गया, कितना हो गया, 30। तो 7 4 जा 28, है ना, 7 4 जा 28, और कितना बचा, 2। तो ये जो 1 है, इस 1 के आगे 2 आकर के लग गया, तो कितना हो गया, 21। 7 3 जा 21, हरी बात समझ में। तो ऐसे करते हैं, जिनको नहीं आता समझ में वो समझ लें, बहुत ही आसान है ये, ठीक है ना। ये 7th क्लास 8th क्लास की चीज़ है, 9th क्लास की चीज़ है। ओके, अब 143, ऑब्वियस सी बात है 143 11 से ही जाता है, ठीक है। तो 11 का हमने टेबल पढ़ा, तो 11 1 जा, बात समझो, हरी बात समझ में, 11 1 जा 11, कितना बचा, हमें लाना कितना था, 14 लाना था, बट 2 बच गया, सॉरी 3 बच गया, कितना हो गया, 30 33। इसमें क्या है कि जो 3 जो बचता है, रिमाइंडर जो बचता है 3, वो इस 3 के आगे आकर के ऐसे लग जाता है ना, ठीक है। तो ये कितना हो गया मेरे पास, 33, सॉरी 133 हो गया। 11 3 जा 11 3 जा 11 3 जा 33, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। फिर बाद लास्ट में बचा 13, तो 13 हमारा ऑलरेडी क्या, एक प्राइम नंबर है, ठीक है, हमने कुछ इस तरीके से लिख दिया। ओके, आ रही बात समझ में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड, सॉरी,
फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये देखो ये आपको कहाँ मिला, ये आपको वो एग्जांपल्स वाले वीडियोस में आपको ये मिलेगा, है ना। ये जो फॉर्मूला है ये आपको एग्जांपल वाले वीडियोस में मिलेगा, तो आप जाकर के पहले एग्जांपल्स वाले वीडियो को देख लो। और हाँ, अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो पास में एक कॉपी जरूर रखो और आप मेरे साथ सॉल्व करते चलो, क्योंकि मैथ्स बिना ऐसे पढ़े मज़ा नहीं देगा। और अगर आप पढ़ भी रहे हो ऐसे तो कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। पास में कॉपी रखो और उसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे सॉल्व करो, बहुत ही आसान है मैथ, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा मैथ्स पढ़ने में। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें चेक करना है, हमें एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है। पहली चीज़, आप इस क्वेश्चन का पहले मतलब समझो कि पहले तो हमें एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ओके। एंड फिर हमें क्या करना है, इनको वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई करो कि ये इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, 26 एंड 29, बहुत आसान है, या पहले भी कर चुके हो क्लास 9th में, या मे भी उसके पहले क्लास 8th में, ठीक है। तो 26, 26 को आप देखो प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 26 का हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 2 × 13, यही तो होगा पॉसिबल फैक्टराइजेशन। और कोई है तो मैं बता दो कमेंट करके। 91, 91 का सर नहीं आ रहा समझ में, तो क्या कर लो आप यहाँ पर, ये रफ काम कर लो, ये काम हमेशा रफ में करना, ठीक है, साइड में इधर रफ में करना, कॉपी में ऊपर यहाँ पर ऊपर लिख देना रफ वर्क, ठीक। अच्छा, तो 29 का कैसे करेंगे सर, ये 91, सॉरी 91 का कैसे करेंगे सर, तो 91 हमारा जो नंबर है वो किससे डिविजिबल होगा, 2 से होगा नहीं, 3 से होगा नहीं। तो आप जब टेबल पढ़ते जाओगे तो आपको पता चलेगा, या फिर आप जब डिवाइड करते चलोगे तो आपको पता चलेगा कि जो 91 है वो 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया, 7 से डिविजिबल किया, कितनी बार में गया, अब 91 है तो मैक्सिमम 10 टाइम ले जाते हैं, तो 7 × 10 = 70 हो जाता है, बट मेरे पास है 91। तो हम क्या करते हैं, हम एक डिजिट को, ये जो 1 है, 9, 1 के बगल में, 1 9 के बगल में जो 1 है उसको हम हाइड कर देते हैं, तो कितना हो जाता है 9। तो 7 का टेबल पढ़ते हैं, 1 × 37 = 7, ये 7 × 7, ठीक है। ये अब हमें लाना था 9 बट आ गया 1, तो कितनी बार में ले जाएंगे, लगभग 2 टाइम में ले जाएंगे, तो कितना जाएगा 23, सॉरी सॉरी कितना आ जाएगा 21, ठीक है। 2 जो है वो इसके आके बगल में लग गया, 1 के बगल में आकर के लग गया ना, ऐसे समझो कि ये जो 2 था ना, जो 2 रिमाइंडर बचा वो इस 1 के आके बगल में ऐसे लग गया, तो कितना हो गया 21 हो गया। अब 7 के टेबल में कितनी बार में 21 आता है, तो 3 टाइम में ना, इस तरीके से करते हैं, ठीक है। जो बच्चे जान रहे हैं करना वो इस वीडियो को फॉरवर्ड में करके देख सकते हैं, और आप इसके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, ठीक है ना। मैंने जितने भी वीडियोस अपलोड किए हैं सारे वीडियोस की PDF सॉल्यूशंस है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहां से जाकर के इस सॉल्यूशन को डाउनलोड कर सकते हो, बट लगाने के बाद ही आप उसको डाउनलोड करना, वरना कोई मतलब नहीं होगा सॉल्यूशन डाउनलोड करने का। आपको सॉल्यूशन हज़ार तरीके का सॉल्यूशन मिल जाएगा, नेट में बहुत सारे सॉल्यूशन अवेलेबल है, बट आप पहले इसको सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद उसके सॉल्यूशन को देखो, ठीक है। ओके, तो अब एस सी एफ हमने फैक्टराइजेशन कर लिया, 26 का 2 × 13, 91 का 7 × 13। एस सी एफ में क्या करते हैं, जो कॉमन होता है वही लेते हैं, तो 13 यहाँ पर भी है, ठीक है, 13 यहाँ पर भी है, 13 यहाँ पर भी है, तो एचसीएफ कॉमन क्या हो जाएगा, 13, ठीक है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, अगर हम बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम में क्या लेते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल यहाँ पर 2 है, 2 को भी ले लेंगे, 7 को भी ले लेंगे, और 13, दोनों से एक बार 13 भी हमारा क्या हो गया, दोनों को मिला करके 13 भी एक बार हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया, इनका मल्टीप्लाई कर लिया, कितना आ गया 182। ओके, अब कह रहा है वेरीफाई करो भाई, चलो वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई का फॉर्मूला में क्या यूज करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो एलसीएम, अब एलसीएम की जगह एलसीएम की वैल्यू रखो, एचसीएफ की जगह एचसीएफ की वैल्यू रखो, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, टू नंबर्स आपके पास क्या क्या है, 26 और 91 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो इधर का आपने मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 2366 आया, और इधर भी आपने मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 2366 आया, तो क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, जो कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा ये आपको वेरीफाइड वेरीफाइड होना चाहिए। अगर आपका ये पोर्शन अलग आ रहा है, ये पोर्शन अलग आ रहा है, तो समझ लो आप कहीं कुछ गलती कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो है ये वेरीफाइड होना ही चाहिए, आ रही बात समझ में, चलिए सर आ रही बात समझ में, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आप खुद कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इस वाले क्वेश्चन को करके दिखाइए, ठीक है। ये रहा इसका सॉल्यूशन, ठीक है, और ये रहा इसका वेरीफाइड वेरिफिकेशन। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है, आप ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो और आंसर मैच करो, ठीक है।
ओके, प्रॉब्लम आती है आप कमेंट करके बताओ। चलिए सर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है? आप साथ में लगाते चलो, बिना लगाने का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। आप लगा नहीं रहे हो क्वेश्चन को, कोई मतलब नहीं है, कॉपी में लगाते रहो ठीक है, तभी कोई मतलब निकलता है। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? फाइंड द एलसीएम एंड एससीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। तो हमें क्या निकालना है, हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, एलसीएम फाइंड आउट करना है एंड एससीएफ फाइंड आउट करना है ठीक है। फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू ठीक है। अब क्या दे दिया, पहला दे दिया 12, 15, 21 और दूसरा, यानी कि अब तीन 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 हमारे इंटीजर्स दे दिए गए हैं ठीक है। तो कोई बात नहीं, तीन तीन इंटीजर्स है तो हम तीनों का क्या करेंगे, हम तीनों का फैक्टराइजेशन करेंगे, तीनों का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले 12, तो 12 को हम क्या कर सकते हैं, 2 × 2 × 3 नहीं आ रहा समझ में, आप ये कर लो तुरंत ये करो ठीक है, आगे बात समझ में। उसके बाद 15, 15 का भी हम क्या करेंगे, 3 × 5। 21 है, 21 का क्या ले सकते हैं, 3 × 7। अब देखो इसका एस सी एफ, अगर हम बात करें एस सी एफ की, तो एस सी एफ में क्या लेते हैं, जो कॉमन होता है तीनों में। अब जैसे देखो कि यहाँ पर 2 है, 12 में आपका एक फैक्टर मिला 2 ठीक है, क्या 15 में 2 है, नहीं है, क्या 21 में 2 है, नहीं है, तो हम 2 को कॉमन नहीं लेंगे, आ रही बात समझ में। अब देखो 12 में एक फैक्टर है 3, 15 में एक फैक्टर है 3, 21 में एक फैक्टर है 3, तो क्या है, तीनों में कॉमन है ना, तो हम तीनों को ही ले लेंगे है ना, इसको और इस सॉरी इसे और इसे और इसे, इन तीनों को मिला करके हम एक ही बार लिखेंगे 3। अगर कन्फ्यूज़न है तो, नहीं है तो आप इसको तुरंत स्किप करो, फास्ट फॉरवर्ड करके देखो ठीक है। चलो अगर बात करें अगर हम एलसीएम की, तो एलसीएम में क्या करते हैं, जो कॉमन है तो भी लेंगे, कॉमन नहीं है तो भी लेंगे, बस इतनी सी बात समझो ठीक है। तो यहाँ पर 2 कितनी बार है, 2 टाइम, तो मैक्सिमम ने 2 कितनी बार ले लिया, 2 टाइम ले लिया। 3 कितनी बार है, देखो सब में एक ही टाइम है, तो हमने 3 को एक बार ले लिया, सब में कॉमन है ना, सबको एक ही बार मिला करके लेंगे ठीक है। 5 कितनी बार है, 1 टाइम 1 ले लिया। 7 ठीक है, देखो कॉमन नहीं है फिर भी 5 को ले रहे हैं, 7 सब में कॉमन नहीं है फिर भी 7 को ले रहे हैं ना, एलसीएम में लेते हैं ठीक है, एस सी एफ में नहीं लेते, बस मल्टीप्लाई कर लिया, 420 आ गया। ओके चलो अब आप ये क्वेश्चन करके दिखाओ सेकेंड ठीक है, और इसके आंसर मैच कर लो, पॉज करो वीडियो और तुरंत सॉल्व करो। चलो ये रहा, उसके बाद आप सिमिलरली अब थर्ड वाले क्वेश्चन भी कर लो ठीक है, ये रहा इसका आंसर। चलो ट्राई करो इतना जल्दी से, वीडियो पॉज करके तुरंत ट्राई करो अभी। ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ठीक। ओके सर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है गिवन दैट एस सी एफ, ये क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि गिवन दैट एस सी एफ आपका दिया गया है, दो नंबर्स हैं आपके पास 306 एंड 657, इन दो नंबरों के एस सी एफ आपको पता है कितने, 9। कह रहा है कि फाइंड एल सी एम, 306 एंड 657 का आपको एल सी एम फाइंड आउट करना है ठीक है। अब आप मेरी बात समझो, तो आपको फॉर्मूला पता है क्या, एल सी एम इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ठीक है। आपने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, तो एल सी एम आपको फाइंड आउट करना है, एल सी एच सी एफ आपको पता है 9, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आपने ये रख लिया ठीक है। यहाँ से एलसीएम को ही छोड़ दो, 9 को इधर भेज दो, कटपिट कर लो थोड़ा सा ठीक है, आप इतना तो कर सकते हो यार, कटपिट कर लो और आ जाएगा आपका क्या, 22338, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके मैंने भी दिखा दिया है ठीक है। अच्छा एक बात समझो, जो कि हमेशा क्वेश्चन को रखो अपने साथ में ठीक है ना, अगर बुक्स अभी नहीं खरीद पाए हो तो ऑनलाइन पीडीएफ मिलती हैं डाउनलोड करने के लिए, आप उनको डाउनलोड कर लो ठीक है, बट बुक को साथ में रखो और ये क्वेश्चन को हमेशा प्रैक्टिस करते चलो ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के बेसिस पे आपका मैंने जो एक एग्जाम्पल छोड़ा था, इस क्वेश्चन के बेसिस पे वाले एग्जाम्पल भी सॉल्व हो जाएंगे ठीक है, बट पहले हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं बड़े आसानी से। देखो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि चेक वेदर 6 के पावर n कैन एंड्स विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये कह रहा है बच्चों कि अगर मैं 6 के पावर n, मतलब अगर n अगर कोई एक इंटीजर होगा, इंटीजर मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, तो अगर हम उसको अगर एक्सपेंड करते हैं तो क्या ये ज़रूरी है, या फिर ये कह रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भी अगर हम एक नंबर ले लें और क्या उसके लास्ट में 0 आ जाए, आई बात समझे, फॉर एग्जाम्पल, नहीं आई बात समझे, पहले ये क्वेश्चन समझो, पहले तो ये क्वेश्चन समझो। देखो मैंने कहा, मान लो मैंने कहा 6 के पावर 2 है ना, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 6 × 6। कह रहा है कि एन इज एनी इंटीजर, कोई भी एक इंटीजर है, नेचुरल सॉरी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का मतलब क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
ठीक है, अच्छा नेचुरल नंबर है तो एन का मतलब 1 2 3 4 5 6। तो मैंने कहा ठीक है हम एन इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, तो 6 की पावर 2 36। क्या लास्ट में 0 आया? अगर आप 36 लिख रहे हो तो क्या लास्ट में 0 है? नहीं, लास्ट में 0 नहीं है। अच्छा तो शायद कोई और रखने पर मिलेगा, हमें ऐसा चेक करना है। ठीक है, 2 रख लिया 3 रख लिया 4 रख लिया, कुछ भी ऐसा रखने पर क्या मिलेगा? तो इसको हम सारे नेचुरल नंबर रख करके तो चेक तो करेंगे नहीं कि नहीं यार चलो एक बार 1 रख लेते हैं, एक बार 2 रख लेते हैं, एक बार 3 रख लेते हैं, एक बार 4 रख लेते हैं, एक बार 5 रख लेते हैं, ऐसे तो हमें करना नहीं है। पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी, नेचुरल नंबर आप कहाँ तक जाओगे? 1 से लेकर के इन्फाइनाइट तक होता है, कहाँ तक जाओगे? नहीं कर सकते। तो इसको हम प्रूविंग वाले स्टाइल से करेंगे। अब आप बात समझो कैसे करेंगे। देखो समझो, कह रहा है कि नंबर हमारे कैसे एंड्स होने चाहिए विद ज़ीरो। बात समझना, नंबर कैसे एंड्स होने चाहिए? 0 के साथ एंड्स होने चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर 0 के साथ अगर कोई भी नंबर अगर एंड्स हो रहा है, सपोज दैट मान लो 50 है, सपोज दैट मान लो अगर ये 50 है, तो क्या ये 50 जो है, या मान लो अगर 100 है, या मान लो 110 है, सपोज दैट, तो ये जो 50 है क्या ये 10 से डिविजिबल होगा? मस्ट है कि होगा? ये जो 110 है क्या वो 10 से डिविजिबल होगा? ऑब्वियसली बात है होगा। आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब है कि अगर लास्ट में इस नंबर का एक्सपेंड करने पर, इस नंबर का एक्सपेंड करने पर अगर लास्ट में अगर 0 आता है, तो इसका मतलब है कि वो 10 से डिविजिबल होगा। और अगर वो 10 से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि वो 2 और 5 से भी डिविजिबल होगा। बात समझना इस चीज़ को। मैंने कहा कि मेरे पास भाई 10 है, कोई नंबर जो है वो 10 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब 10 से अगर ये डिविजिबल है तो ये 2 से भी डिविजिबल होगा और ये 5 से भी डिविजिबल होगा। इसका मतलब है कि 10 का एक फैक्टर 2 भी हो सकता है और 10 का एक फैक्टर 5 भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब जो नंबर 10 से डिविजिबल है अगर वो 2 से भी, बात इस लाइन को समझना ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर जो नंबर 10 से डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब है कि वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो कोई भी एक ऐसा नंबर जो 2 से भी डिविजिबल हो रहा है और जो 5 से भी डिविजिबल हो रहा है, वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। पहले बताओ, इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आनी चाहिए, बहुत ही आसान सी चीज़ है। देखो सर, मैंने कहा, जिनको समझ में आ गया है वो स्किप कर लो, आगे बढ़ जाओ। नहीं समझ में आया है समझो। देखो सपोज दैट सर, मैंने कहा कि मेरे पास है 65, और हमें ये चेक करना है कि क्या ये 65 10 से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो सर मैंने कहा कि नहीं, जो 10 है, 10 का 2 फैक्टर होता है, 2 होता है और इंटू 5 होता है। अब देखो ये 65 है, वो 5 से तो डिविजिबल है ना, लेकिन ये जो 65 है वो 2 से डिविजिबल नहीं है। तो अगर जब 2 से डिविजिबल नहीं है तो ये 65 जो होगा वो 10 से भी डिविजिबल नहीं होगा। आगे बात समझ में? चलो मैंने कहा नहीं, अब सर मेरे पास है 60, क्या है मेरे पास 60 है, और वो कह रहा है कि आप चेक करो कि ये क्या 10 से डिविजिबल है। ठीक है, 10 से डिविजिबल है वैसे, लेकिन अगर हम इसको 2 और 5 के टर्म में देखें तो चलो 10 से डिविजिबल है, अगर ये 10 से डिविजिबल है तो ये 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और ये 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए ना, हो रहा है ना, हो रहा है, तो ये फिर 10 से डिविजिबल है। तो सेम यही फंडा सर हम इसमें भी अप्लाई कर रहे हैं। आ रही बात समझ? ठीक है ना, सेम यही फंडा में इसमें भी अप्लाई कर रहे हैं। तो हमने कहा कि ऐसा अगर कोई नंबर होगा तो इसका मतलब है कि वो 2 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा। ठीक, तो मैंने कहा ठीक है सर, 6 के पावर n का हम एक्सपेंड करके देखते हैं, इसको हम प्राइम फैक्टर में तोड़ करके देखते हैं। तो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 और उसके पावर में n। अब देखो 6 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन मिला वो क्या मिला, 2 इंटू 3 मिला। तो अगर 2 इंटू 3 मिला भाई, अगर ये 10 से, अगर ये चीज़ अगर 10 से डिविजिबल, देखो होगा क्या, मतलब जैसे एक फैक्टर 2 है, चलो कोई भी ऐसा नंबर मान लो होगा, जैसे हमने कहा मान लो 60, तो 2 से तो डिविजिबल हो जाएगा, या चलो कुछ उल्टा नंबर ले लिया मैंने, जैसे मान लो मैंने ले लिया 40, ठीक है, तो ये 2 से डिविजिबल तो हो जाएगा, लेकिन क्या ये इसके फैक्टर में आप देखो कहीं भी 5 है? नहीं है, ये सब छोड़ो, ये सब सब बात की बात है, इसके फैक्टर में कहीं 5 है ही नहीं। अगर जब 5 नहीं है इसके फैक्टर में तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा, ठीक है ना, कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जिसके लास्ट में 0 आए। आ रही बात समझ में? आप चेक कर लो, आप करते करते थक जाओगे, बूढ़े हो जाओगे, लेकिन 6 के पावर n का कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जिसके लास्ट में 0 हो। आप ये चेक कर लो, ठीक है? नहीं, चेक मत करो, नहीं कर पाओगे, कैसे करोगे? तो यही एक इसका एक कहते हैं ना, एक तार्किक रीज़न है।
क्या कहते हैं उसको, जो भी कहते हो, आ रही बात समझ में? ठीक है, तो 5 इज नॉट अ प्राइम प्राइम फैक्टर ऑफ 6 के पावर n, सो 6 के पावर n विल नॉट डिविजिबल बाई 5। अब ऐसी बात है, और जब 5 से जो डिविजिबल नहीं है तो ऐसा कोई भी नहीं होगा जो एंड विद डिजिट 0। ये आपका होगा एक्सप्लेनेशन, आंसर, सॉल्यूशन। ठीक है, आप इसको अच्छे से पीडीएफ फॉर्म में भी डाउनलोड कर सकते हो, बट आप मेरे साथ लगाते हुए चलो। आपको अगर ये समझ में आ गया तो वीडियो को पॉज करो और फिर से लगाओ, थोड़ा सा इमेजिन करो, थोड़ा सा गेस करो कि सर ने क्या क्या बताया। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6? कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड ये चीज़, और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। ये पूछ रहा है कि ऐसा क्यों है कि ये आपस में कंपोजिट नंबर है। तो बच्चों आप मेरे को एक बात बताओ, कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? याद है आपको मैंने बताया था, नहीं याद है भूल गए, तो आप याद करो। कंपोजिट नंबर की जो डेफिनेशन होती थी वो ये बोलती थी कि कोई भी दो नंबर कोई भी एक नंबर कंपोजिट नंबर होगा अगर उसका फैक्टर 1 और इट सेल्फ के अलावा मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने कहा था 2, क्या 2 कंपोजिट नंबर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका फैक्टर क्या होगा? 1 होगा और 2 होगा। क्या और भी इसके अलावा और भी कोई फैक्टर है? नहीं है। जैसे मैंने कहा 4, 4 क्या एक कंपोजिट नंबर है? कैसे? देखो इसका फैक्टर क्या क्या होगा, 1 भी होगा, 4 भी होगा। अच्छा 4 के अलावा और कोई है क्या? यस 2 है, तो 4 हमारा एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है ना, चलो। तो अगर हम ये दिखा दें कि इसका जो फैक्टर है 1 और इट सेल्फ के अलावा भी एक दूसरा फैक्टर है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये भी हमारा एक कंपोजिट नंबर होगा और ये भी हमारा एक कंपोजिट नंबर होगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो हम पहले इसको लेते हैं 7 × 11 × 13 + 13 को। अब देखो बड़े आसानी इसको सॉल्व करते हैं, आपका एक ही स्टेप में आंसर आ गया है, बट ध्यान दो। आप ये देखो, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, मान लो इसका कोई भी एक सॉल्यूशन रहा होगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे पूरे को तो कुछ भी आया होगा। अब इसका एक टर्म हमने देखो, इसका इसके पास दो टर्म है, ये दो टर्म है। अब इन दोनों टर्म्स में आपको कॉमन क्या दिख रहा है? 13, तो आपने 13 को ले लिया कॉमन। क्या बचा यहाँ पे? बचा 7 × 11 + 1, मल्टीप्लाई कर दिया 13 को आपने बाहर रखा, 7 × 11 + 1 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया? 77 + 1, दैट इज 78। ठीक है, अब इस 78 को फिर से आप तोड़ दो, 78 को आप फिर से फैक्टर कर दो, क्या मिला? 2 × 3 × 13, तो 6, और 6 को हमने फिर से तोड़ दिया 2 × 3। ठीक है ना, अब आप ये देखो कि इसका जो भी एक सोल्यूशन आया रहा होगा उसके अलावा 13 भी है, 2 भी है और 3 भी है, और ये फिर से 13 है ना, तो इसके कई सारे फैक्टर मिल रहे हैं। तो अगर कई सारे फैक्टर मिल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? ये एक कंपोजिट नंबर है। अरे वास्तव में कह रहा है कि द नंबर हैज़ 2, 3 एंड 13 एज इट्स फैक्टर, देयर फोर दिस इज़ अ कंपोजिट नंबर। आगे वास्तव में आप ऐसे समझो सर, जैसे आपने कहा कि सर आप ये कैसे कहते हो? मैंने कहा भाई आपके पास 10 है, ठीक है, और 10 का आपने फैक्टर निकाला, तो आपने कहा 2 × 5, कहा ना? तो 10 का एक फैक्टर है 2 और 10 का एक दूसरा फैक्टर है 5, इसके दो दो फैक्टर है ना। और अगर आप कहो तो सर और क्या हो सकता है, इसका एक और फैक्टर 1 भी हो सकता है, इसका एक और फैक्टर 10 भी हो सकता है, तो इनके अलावा और भी तो फैक्टर है, तो अगर फैक्टर है तो हमारा ये कंपोजिट नंबर है। तो सिमिलर काम हम वही कर रहे हैं। आई बात सर समझ में, समझो इस चीज़ को, नहीं आ रहा समझ में तो बताओ कमेंट करके। वही काम से हम इसमें भी कर रहे हैं, है ना, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये हमारा एक कंपोजिट नंबर होगा। ओके चलो बात करते हैं दूसरे वाले की, ट्राई करो दूसरा वाला वीडियो पॉज करके। देखो सबसे पहले आप यहाँ से 5 को कॉमन ले लो, अपने 5 को, जैसे अपने 5 को कॉमन ले लेना, तुरंत ये मिल गया, इसका एक फैक्टर मिला क्या? 5, 5 अगर एक फैक्टर मिल गया तो समझ लो कि ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, ऐड कर लो, इतना आएगा। अब 109 का तुम फर्दर इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है, और तो तुमने कहा कि हाँ ठीक है सर, इसका जो भी सॉल्यूशन आता है उसके दो फैक्टर मिल रहे हैं, 5 और ये, तो ठीक है अगर दो फैक्टर मिल रहे हैं तो ये कंपोजिट नंबर होगा। आ रही सर बात में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की जल्दी से चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, देखो सर क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, बड़ा क्वेश्चन है। कह रहा है कि देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मीटर टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। अच्छा, रवि जो लड़का है वो 12 मिनट ले रहा है और सोनिया जो है वो 18 मिनट ले रही है। ठीक है, यहाँ पर जेंडर इनइक्वालिटी की बात नहीं हो रही है। ओके,
सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, ठीक है, वो किसी एक सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, मान लो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट? ओके चलिए सर, समझते हैं इस बात को, वीडियो थोड़ा लेंदी है बट मज़ा आना चाहिए पढ़ने में, ठीक ना, फील करके पढ़ो तो मज़ा आएगा, इसकी अगले वाले चैप्टर को और अच्छे से समझाएंगे, ठीक है, बट पहले इसको आप जल्दी जल्दी कॉपी पर लगाओ। ओके तो जो रवि है, बात समझो, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, जो रवि है वो 12 मिनट ले रहा है और जो सोनिया है, ठीक है, जो सोनिया है वो 18 मिनट्स ले रही है किसी एक सर्कुलर फील्ड के राउंड को करने के लिए। अब अगर बात समझो, बात समझो, अच्छा अगर आप कहो कि सर हम इसका एचसीएफ ले लें या एलसीएम ले लें, देखो अगर आप एचसीएफ लोगे तो आपको क्या मिलेगा, एचसीएफ का मतलब होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 12 और 18 का जो एचसीएफ मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, सिक्स, सिक्स मिलेगा, है ना, सिक्स मिलेगा। अच्छा तो ये बताओ कि क्या वो 6 मिनट बाद मिल सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है सर, रवि ने, मान लो रवि ने स्टार्ट किया यहाँ से, एक चक्कर लगाने में खुद ही उसको कितने मिनट लगेंगे, 12 मिनट लगेंगे, तो जब 12 मिनट खुद ही लग रहे हैं एक चक्कर लगाने में तो 6 मिनट कैसे लग सकते हैं, यानी कि ऐसे अब तो हम निकालेंगे ही नहीं अगर हम वैसे बात कर रहे हैं तो, आ रही बात समझ, एक प्रैक्टिकल वे में अगर बात करें तो। अच्छा तो आपको निकालना क्या पड़ेगा, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है, अभी थोड़ा सा एक क्या करूँगा ना कि एक दूसरा वीडियो बना करके एचसीएफ और एलसीएम का एक एग्जैक्ट मीनिंग बताऊंगा मैं, ठीक है ना, कि एलसीएम का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, बहुत मज़ेदार चीज़ है ये, ठीक है ना, देखेंगे जब ये, जब वर्ड्स प्रॉब्लम जो हमें जब मिलेंगे एनसीईआरटी, जब क्वेश्चन को लगाएंगे तो उसमें अगर वर्ड्स प्रॉब्लम मिलेंगे तो इसमें एचसीएफ और एलसीएम वाले कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर देंगे, ठीक है। ओके तो सिंपली आप क्या कर लो सर कि 12 और 18 का क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लो, ठीक है, तो 18 को आपने कुछ ऐसे लिख लिया, 12 को आपने कुछ ऐसे लिख लिया, एलसीएम आपने निकाल लिया 36 मिनट, यानी कि 36 मिनट बाद वो आपस में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को सेम उसी पॉइंट पर फिर से आपस में वो मिल जाएंगे। ओके आई होप समझ में आया होगा ये सारे वीडियोज़ और ये सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट, एंड प्लीज़ आप इसको अपनी कॉपी में लगाओ 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 लगाओ, ठीक है। ओके तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।